एबी रोड पर एक तेज रफ्तार एसयूवी ने महिला की जान ले ली। इस हादसे में महिला का 3 साल का बेटा और पति घायल हो गए हैं। तीनों मांगलिया में अपने रिश्तेदार के यहाँ से शादी से लौट रहे थे। पेट्रोल पंप के यहाँ जैसे ही उन्होंने गाड़ी बाहर निकाली, पीछे से आ रही गाड़ी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। शिप्रा पुलिस के मुताबिक घटना राम पिपलिया गांव के पेट्रोल पंप के पास की है, जहां रात करीब 11 बजे बाइक पर नागेश परमार और उसकी पत्नी रीना, साथ में 3 साल का बेटा ऋतिक भी जा रहे थे और पीछे से आई एसयूवी कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के दौरान रीना पीठ के बल सड़क पर जा गिरी, जबकि ऋतिक और उसके पिता नागेश कच्ची जगह पर गिरे। हादसे में कार के साथ बाइक कई फीट दूर तक घसीटती चली गई। इस हादसे के बाद तीनों को MY ले जाया गया, जहां आज सुबह करीब रीना 4 बजे दम तोड़ दी। रिश्तेदार वासु ने बताया कि नागेश और उनका परिवार मूल रूप से करोदिया गांव का रहने वाला है। नागेश मजदूरी करता है। उसके मामा के बेटे शुभम परमार की शनिवार को शादी थी। रात में खाना खाने के बाद करीब 10:30 बजे तीनों बाइक से निकले थे। वहीं पुलिस ने SUV को जब्त कर लिया है। ये वो उनके मामा जी के लड़के की शादी में आए थे, हमारे मामा जी के लड़के की शादी में। वहाँ से खाना वगैरह खा के 10:30 बजे के आसपास वो लोग निकले घर जाने के लिए। के बोले हम घर जाएंगे, बोले कि हमको जाना है सुबह जल्दी। तो वो लोग निकले थे, वहाँ से 3 किलोमीटर भी नहीं गए, पेट्रोल पंप पे राम पिपलिया में पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवा के वो उनकी साइड ले रहे थे। गाड़ी उन्होंने रोड क्रॉस करी, उतने में गाड़ी पीछे से आई, फॉर्चूनर गाड़ी थी, लगभग 70 से 80 की स्पीड में थी। गाड़ी ने इतनी जोर से मतलब वो टक्कर मारी थी कि ये तीनों लोग गिर गए। वो दोनों तो इधर गिर गए, बाप बेटे, और ये जो भाभी थी हमारी वो इस तरफ गिर गए। तो ये डेथ हो गई, हॉस्पिटल लाए, उसके 1 घंटे बाद ही वो बेहोश हुए। तो उसके बाद होश में ही नहीं आए, उनकी पल्स और ये BP सब डाउन होते गए, और लगभग 4 बजे के आसपास डॉक्टर ने उनको डेड घोषित कर दिया।